दोस्तों टीफेस की फायरल जो है बहुत ही ज़्यादा इसके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग जो है फेक न्यूज़ जो है दे रहे हैं सभी को, यानी कि जो है गलत न्यूज़ आप सभी को दे रहे हैं कि आज लॉन्च होगी, 16 सितंबर को होगी। तो अभी हमने जो है कॉल किया, आज सुबह से मान के चलो हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर पूरे मान के चलिए कि यूपी में हमने जो है इसकी जो है तबीयत ख़राब थी थोड़ा, तभी हमने जो है चेक किया, इन्फॉर्मेशन निकाली कि ये बात सही है या गलत है। कल इसके फायरों 125 सीसी में होगी, टीचर्स आने वाले हैं तो सभी जो मैं आपको इस वीडियो में सबसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए पहले जो फायर थी वो सही आती थी, तो फायर जो है और आप देख सकते हैं एक फीचर से जो है आ रहा है कि टीफेस के फायर कुछ इस तरीके से होगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक फीचर्स में आया है कि एक जो है डिटेल्स में कि कुछ इस तरीके से टीफेस के फायर दिखने वाली है। लेकिन जो है हमारे ख्याल से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, फ्रंट का जो डीआरएल लाइट आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से भी एक फायर की न्यूज़ आई थी कि कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। और कुछ ऑल टोटल जो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो टू कलर में पहले लॉन्च होगी, उसके बाद डिजिटल फोर कंसोल आपको यहाँ पर मिलता है। और फायर जो 125 है कुछ इस तरीके से अगर आएगी तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस होने वाली है वो लगभग आपको पड़ेगी जाके 1,12,000 रुपये ऑन रोड प्राइस होने वाली है, जबकि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर ये वाली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस जो होती है वो आपको होने वाली है दोस्तों 1,32,000 रुपये, जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उसका जो हेडलाइट है कुछ इस तरीके से होगा, बट जो मैंने आपको दूसरी वाली दिखाई थी उसका सर्कल में आपको लाइट मिलेगा, तो जो है 125 सीसी में होने वाली है। और रोड प्राइस जो मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से होने वाली है। और बाइक लॉन्च होने वाली है बट अभी नहीं होने वाली है, इसमें जो है शामिल लगने वाला है क्योंकि इसकी जो है प्रिपरेशन के लिए यानी कि इसको जो है फिर से रिटर्न जो है बनाने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है और दे दिया है। और ये बहुत ही जल्द मतलब आपको शोरूम पर दिखने वाली है, बट कुछ अभी इसमें समय लग सकता है। और अगर ये आएगी तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि होंडा की जो है ये बनावट जो आई है होंडा वाली उसी के तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगी ये सेम। और ये अगर आएगी तो आपको अपाचे 4V के तरीके से दिखेगी, तो कुछ इस तरीके से आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही आएगी मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो डाल दूँगा दोस्तों। तो थैंक्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अपनी राय कमेंट